मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आज मैं आपको भारत की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत पहली जो विशेषता है वो है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, और इस नीति के अंतर्गत हम कहना चाहेंगे कि भारत जब स्वाधीन हुआ उस समय तक विश्व की राजनीति दो विरोधी गुटों में बढ़ चुकी थी। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ। भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, एक तीसरे महायुद्ध की तैयारी होने लगी थी। नवस्वतंत्र भारत के समक्ष ये विकट समस्या थी कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था न विश्व की। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई उसे ही गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। भारत ने दोनों गुटों से बराबर की दूरी बनाए रखी। दूसरा, शांति की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति सदैव से ही शांति की समर्थक रही है। अगस्त 1954 में पणिकर ने कहा था, भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि हमारी पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें, दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए, और तीसरी नीति भी स्थिति को बचाने की होनी चाहिए, अर्थात यदि युद्ध छिड़ भी जाए तो हम उसे रोकने में समर्थ हों। भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं, समझौतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय या विवाचन आदि पर बल देता रहा है। अगला, मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। भारत की यह धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह अस्तित्व की भावना पैदा हो। यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो आणविक शस्त्रों से पूरी दुनिया का ही विनाश हो जाएगा। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं। अपना वश चले तो हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते। अगला, विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। भारत अपनी विदेश नीति के द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध का कार्य करता रहा है। अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत दोनों गुटों के बीच उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकने की एक विशिष्ट स्थिति में रहा है। अपने इस स्थिति के कारण अब तक उसने कोरिया, हिंदचीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दोनों गुटों को समीप लाकर विश्व शांति का आसन्न खतरा दूर करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से भारत ने ये बहुत ही, वरना ये कोरिया, हिंदचीन, कांगो आदि समस्याओं को लेकर महायुद्ध भी छिड़ सकता था, बड़ा युद्ध हो सकता था जिससे विश्व को काफ़ी नुकसान होता। अगला, साधनों की पवित्रता की नीति। भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिकता वाली नहीं रही है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। यद्यपि उनके सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता, फिर भी भारत निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। तो निश्चित रूप से भारत है वो सदैव से ये बहुत ही अच्छी भूमिका है।
में रहा है, निभाई है। अगला, पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील के पांच सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांतिप्रियता का द्योतक है। अप्रैल 1954 को तिब्बत के मामले में, तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में इनका प्रतिपादन किया गया है। पंचशील से अभिप्राय आचरण के पांच सिद्धांत जो इस प्रकार से हैं, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, नंबर दो अनाक्रमण, नंबर तीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, नंबर चार समानता और पारस्परिक लाभ, नंबर पांच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो भारत ने सदैव से जो इसका प्रतिपादक भी रहा है और वो स्वयं इस पर पूरी मर्यादा के साथ अपनी विदेश नीति के निर्धारण में चलाने में इन पंचशील के सिद्धांतों का, तत्वों का बड़ा पालन किया है। अगला, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भुक्त भोगी रहा है, अतः यही कारण है कि विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने खुलकर उनका समर्थन किया। दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया में प्रजातीय विभेद अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वहां की गोरी सरकार काली चमड़ी वाले लोगों पर घोर अत्याचार करती थी। भारत इस नीति का जोरदार विरोध करता रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर इस प्रकार के प्रश्न उठाता रहा है। तो भारत ने साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद, संसार में कहीं भी किसी भी देश के साथ या वहाँ की जनता के साथ इस प्रकार का यदि कुछ हो रहा है, देखा जाता है, पाया जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसका खुलकर विरोध करता है और पीड़ित पक्ष का समर्थन करता है। और एक इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। देखो, भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है, जो मूल 51 सदस्य थे उसमें भारत था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत ने कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का यथोचित सम्मान किया है। आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आदर्श हैं, उद्देश्य हैं और उसके जो अंग हैं, अभिकरण हैं, उन सब में उनको बनाए रखने में, उनको विकास करने में और जो भी जितना भी जिस प्रकार का योगदान बन पड़ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अपेक्षा करता है, विश्व समुदाय अपेक्षा करता है, उससे भी ज़्यादा बढ़कर भाग लेता है, अपना सहयोग देता है। और तो आज हम इतना ही ये मैं आपको बताऊंगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत अच्छी रोचक विषय वस्तु सामग्री लेकर आऊँगा, तो उसके लिए आप इंतज़ार करें। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद।